अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम करने लगे हमारा अगला टॉपिक इन द यूनिट जिसमें हम कर रहे हैं इम्प्लांटेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें है जी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप पास्ट पेपर की बुक या फिर अपने पास्ट पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इसमें और जो आपका ये एबॉर्शन या मिसकैरेज वाला सिलसिला होता है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने इनका डिफरेंस जहन में रखना और आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा उसी हिसाब से मैं आपको इसको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबको पता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन के बाद, ठीक है। यूट्रस में अगर इम्प्लांट हो जाएगा जो आपका नॉर्मल एम्ब्रियो है जायगॉट है तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉर्मल। उसके अलावा कहीं भी अगर इम्प्लांटेशन होती है, कहीं भी अगर वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो है फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, याद रखना है आपने। और बाकी फिर आ जाते हैं जो यूट्रस के आसपास चीजें उनमें सेकेंड बहुत कॉमन होती है, जैसे कई बार हो जाते हैं कि फिलोपियन ट्यूब के जो इन्फेंटिबुलम वाला एरिया है जिसका बिल्कुल एंड वाला एरिया वहां पर हो जाती है, ठीक है। ये तो या तो फिलोपियन ट्यूब के एम्पुला में बहुत कॉमनली होती है, उसके बाद इन्फेंटिबुलम में होती है, उसके बाद आपने लिखना है कि इट कैन बी ओवरीज क्योंकि जाहिर है उसके अलावा ओवरीज साथ पड़ी हुई है। सर्विक्स में बहुत कम होती है क्योंकि सर्विक्स में इतनी जगह नहीं होती, बट हो भी सकती है। देन आपका जो एडनेक्सा, एडनेक्सा में क्या चीजें आती है, एडनेक्सा का लफ्ज जब भी आएगा ना इसका मतलब होता है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। तो यूट्रस का जो एडनेक्सा होता है उसका मतलब होता है यूट्रस के पास जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं जिसमें आ जाती है आपकी, ये देखिए ये यूट्रस है ना, इसमें आ जाती है फिलोपियन ट्यूब्स, इसमें फिलोपियन ट्यूब्स के बाद ओवरीज आ जाती है और यहाँ पर पड़ा हुआ ब्रॉड लिगामेंट आ जाता है, ठीक है, और जितने भी छोटे मोटे लिगामेंट्स हैं। तो ये जो सारा कुछ स्ट्रक्चर, ये जो जितने भी चीजें यूट्रस के साथ पड़ी हुई है इसको एडनेक्सा कहते हैं। आपको कई दफा लफ्ज मिलेगा एडनेक्सल मैस, एडनेक्सल मैस का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं तो हमें फिलोपियन ट्यूब, ओवरी या ब्रॉड लिगामेंट एरिया में कोई मैस मिल गया। और जाहिर सी बात है अगर इस जगह पर प्रेगनेंसी इम्प्लांट हुई भी है यानी स्टार्ट हुई भी है तो यहां पर हमें मैस मिलेगी, तो एडनेक्सल मैस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट। और उसके अलावा अगर हो सकती है तो एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकती है प्रेगनेंसी एक टॉपिक, और हो सकती है कोई पुराना सिजेरियन सेक्शन का स्कार होता है उस जगह पर भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉपर प्रेगनेंसी होती क्यों है, उसके क्या क्या कॉजेज इन्वॉल्व होती है। तो नॉर्मली अगर आप देखें कभी भी नॉर्मल से हट के अगर हो जाता है किसी जगह की जो एनाटॉमी है वो नॉर्मल से हट जाती है तो वहां पर चीजें रुकने लग जाती है, वहां पर चीजों में मसले पैदा होने लग जाते हैं, तो यही यहां पर भी हो रहा होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे कॉमनली क्योंकि हमने कहा फिलोपियन ट्यूब में है तो सबसे कॉमनली जो प्रॉब्लम होती है वो भी फिलोपियन ट्यूब में ही होती है। अगर हम स्ट्रक्चरल बात करें तो दो तरह से फिलोपियन ट्यूब जो है वो खराब हो सकती है, एक तो होती है उसकी स्ट्रक्चरल एनोमलीज। स्ट्रक्चरल एनोमलीज का मतलब है कि फिलोपियन ट्यूब जो है वो कहीं ना कहीं पर से या तो उसमें स्कारिंग होगी या वो डैमेज होगी। अब ये भी दो वजह से हो सकता है, या तो उसके अंदर कोई सर्जरी की गई है या उसे कोई ट्रॉमा पहुंचा है, ठीक है, सर्जिकल ट्रॉमा या मैकेनिकल ट्रॉमा, उसकी वजह से आपको पता है कि जब टिश्यू दोबारा हील करते हैं तो स्कारिंग होती है। दूसरी कॉज हो सकती है कि उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ था, ऐसे इन्फेक्शन जिसने फिलोपियन ट्यूब को भी इन्वॉल्व किया था और जब बाद में सेटल हुआ तो वहां पर एक परमानेंट स्कार बना दिया उसने। जब स्कार बन जाएगा तो रास्ता तंग हो जाएगा, रुक जाएगा और वहां पर ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो सकती है या इम्प्लांटेशन हो सकती है। दूसरी चीज होती है फिलोपियन ट्यूब में फंक्शनल डिसऑर्डर्स। फंक्शनल डिसऑर्डर्स का मतलब है कि वो स्ट्रक्चरली ठीक है लेकिन उसके अंदर आपको पता है कि मूव करने के लिए जो स्पर्म और एग है उनको भी, और जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो जायगॉट को भी मूव करने के लिए सिलिया की एक्टिव मूवमेंट चाहिए। अगर सिलिया की एक्टिव मूवमेंट नहीं होगी तो डेफिनेटली फिलोपियन ट्यूब से आगे कोई चीज नहीं जा सकती। और वो क्यों होती है कि अगर आपकी सिलिया डैमेज है जो कि स्मोकिंग जो करती है फीमेल्स या फिर जिनकी एज ज्यादा होती है उनमें बहुत कॉमनली डैमेज हो जाते हैं या फिर इमोटाइल होने लग जाते हैं तो इनमें चांस बढ़ जाते हैं, तो सबसे कॉमन कॉज ये हो जाते हैं। फिर बाकी रिस्क फैक्टर्स ये आते हैं कि आपने पहले कोई एब्डोमिनल सर्जरी कराई है, कोई इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखना आपका सिनेरियो भी आता होता है आईवीएफ का कि एक फीमेल ने कंसीव किया जो आपके पास आई थी जिसने कंसीव किया आफ्टर ओवुलेशन इंडक्शन या फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, तो जो भी आप कोई अननेचुरल तरीका इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज करने का तो उसमें चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमेशा ज्यादा होते हैं। नॉर्मल के अलावा कोई भी तरीका, चाहे ओवुलेशन इंडक्शन का तरीका है चाहे वो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका है, सब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी बढ़ जाएगी। कोई सर्जरी पहले हुई हुई है, कोई आपने इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज इस्तेमाल किए आईयूडीज, इनमें भी थोड़ा बहुत चांस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज्यादा हो जाते हैं। एंड देन अगर पेशेंट को वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करती है तब भी, और अगर कोई उसे पैथोलॉजी है यूट्रस की यानी एंडोमेट्रियोसिस तो भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये पता है क्यों याद रखनी है आपने, आपसे अलग से भी पूछ लेते होते हैं। और दूसरी बहुत ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपके पास ये सिनेरियो ऐसा बना के देते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू हु हैज बीन यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर द लास्ट वन ईयर, और ये आपके पास फिर चीजें होती है जो कि उस तरफ लेके जा रही होती है, तो आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगी, बिल्कुल वैसे ही तकरीबन जैसे आपकी एक मिस्ड मिसकैरेज या फिर एक मिसकैरेज की पेशेंट प्रेजेंट करती है। और वो किस तरह करती है,
लोअर एब्डोमिनल पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग, ये दो कार्डिनल फीचर्स है। क्योंकि अब याद रखना कि वजाइनल ब्लीडिंग का मतलब ये है कि उसकी प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह पर नहीं है, ब्लड कंटेन नहीं हो रहा, एंड लोअर एब्डोमिनल पेन डेफिनेटली जब प्रेशर पड़ेगा उस जगह पे तो पेन होगा, ठीक है। तो लोअर एब्डोमिनल पेन एंड वजाइनल ब्लीडिंग ये बहुत कॉमन है। अब सिनेरियो में आपने इसको डिफरेंशिएट फिर उससे किस तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास सिनेरियो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का दो तरह से आते हैं, एक होता है सिंपल एक्टोपिक जो हाली एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और एक होता है आपका जो रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। रप्चर्ड वाले को तो डिफरेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि इतने वीक्स की प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास प्रेजेंट की है कि इतने वीक्स से उसको सपोज 8 हफ्तों से उसको एमेनोरिया है, अभी उसको वजाइनल ब्लीडिंग एंड लोअर एब्डोमिनल पेन सडनली स्टार्ट हो गई थी, उसका ब्लड प्रेशर चेक करने पे या तो 90/50 है या 80/50 है, उसकी पल्स हमेशा 110 से ज्यादा होगी, और शी इज लुकिंग सो सिक, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन नो यूट्राइन पार्ट्स वर फाउंड, या फिर वो आप सीखेंगे ऑन एग्जामिनेशन फ्लूइड वॉज फाउंड ऑन TVUSS, ठीक है, फ्री फ्लूइड वॉज फाउंड इन द पेरिटोनियल कैविटी, या वो कहेंगे कि टेंडरनेस बहुत ज्यादा थी, या वो कहेंगे पेशेंट वॉज लुकिंग इन शॉक, या वो कहेंगे मतलब ये सारी वो बातें जो कि आपको रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ लेके जाती है। ऑन एग्जामिनेशन अगर वो आपको नहीं भी बताते, वो कहते हैं कि फीमेल प्रेजेंट की वजाइनल ब्लीडिंग लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, इतने वीक्स की प्रेग्नेंट थी, ब्लड प्रेशर इतना थोड़ा है और पल्स इतनी ज्यादा, इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट की एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है और सारा फ्री फ्लूइड उसके पेरिटोनियम में कलेक्ट हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा रही है, ठीक है। इतना लो बीपी शॉक का इंडिकेटिव होता है, तो आपने लिखना होता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर वो आपसे पूछते हैं कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट क्या है, तो जो नॉर्मल मैनेजमेंट है वो इससे थोड़ी सी हटके इसलिए होती है कि आपने पहले लिखने होते हैं कि इसमें आप इमरजेंसी में क्या मैनेज करेंगे। मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसका जिक्र मैं दोबारा नहीं करूंगी। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि फौरी तौर पर एडमिट द पेशेंट, मेंटेन आईवी लाइन, क्योंकि ये शॉक में जा रही है ना, तो आपने इसके शॉक से पहले रिवर्स करना है। मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग, सारे एबीसी से शुरू करेंगे, तो एयरवे ब्रीदिंग एंड आईवी लाइन, तीनों चीजें हमने यहाँ डाल दी हैं। उसके बाद हम कहेंगे स्टार्ट हाइड्रेशन एंड डू वाइटल मॉनिटरिंग, ठीक है, ये भी आपने कर लिया। उसके बाद आप फिर अगली बात करेंगे कि आपने अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस करने, और फिर आपने उसकी जो नॉर्मल मैनेजमेंट होती है उसमें आप देखेंगे आइदर इफ द पेशेंट इज हैविंग स्टिल प्रेगनेंसी इनसाइड, तो हम उसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, आई एम मेथोट्रिक्स एट और सर्जिकली, जो मैं आपको तरीके बताऊंगी, लेकिन इमरजेंसी वाली आपने इसमें जरूर बतानी है, ठीक है, क्योंकि रप्चर की जो नॉर्मल एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें सबसे कॉमनली आपके पास जो सिनेरियो आता है वो आता है कि इतने वीक्स की प्रेगनेंट फीमेल आपके पास आई है वजाइनल ब्लीडिंग एंड लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, एंड ऑन एग्जामिनेशन राइट या लेफ्ट एडनेक्सल मास वॉज फाउंड, ठीक है, विद लो बीटा HCG लेवल्स। जब आपको वो एडनेक्सल मास का बता देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि अब आपने सोचना ही नहीं है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होगी, कोई मिस्ड मिसकैरेज या कोई मिसकैरेज होगा। एडनेक्सल मास का मतलब है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो हमें नजर आई है, और फीमेल की एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट हमने उसे देनी है, ठीक है। तो जब आपको एडनेक्सा के मास का बताएंगे, या वो आपको कह देते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे कोई सैक नजर आ रहा है विद नो कार्डिक एक्टिविटी, तो सैक की जो नजर आ रहा है वो एंडोमेट्रियम में नहीं नजर आ रहा, उनने ये नहीं कहा कि यूट्रस है, इसका मतलब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और बीटा HCG वो आपको बताएंगे कि इज लोअर देन नॉर्मल। कई बार ऐसा होता है कि वो सिंपली आपको सिनेरियो देते हैं कि 26 साल की बंदी है जो कि 6 वीक्स पे आपके पास आई है, और वो कह रही है कि उसको पहले 6 हफ्ते से एमेनोरिया था, अब उसको लोअर एब्डोमिनल पेन और वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब देखिए, जब आपको वो सिनेरियो देना होता है ना मिस्ड मिसकैरेज का, तो उसके साथ आपको बताते हैं कि नो फीटल हार्ट साउंड्स और एनलार्ज्ड यूट्रस प्रेजेंट था, ठीक है। अगर वो सिंपली आपको ये बता रहे हैं कि एक सिर्फ 26 साल की फीमेल है जो लोअर एब्डोमिनल पेन वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आ रही है, नो अदर कंप्लेन, कुछ सिनेरियो में और नहीं लिखा हुआ, तो प्लीज डू मेक द इनलिस्ट द आंसर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस वजह से क्योंकि कुछ चीजें ना आपको एज अ नॉर्म फॉलो करनी होती है, हालांकि ये इतना नॉन स्पेसिफिक सी बात है, अगर फीमेल है 26 साल की है जिसको और कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ वजाइनल ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन है, तो डेफिनेटली वो एक मिस्ड मिसकैरेज भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें ना आपकी नॉर्म्स होती हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है क्योंकि वो उसी तरह से चल रही होती है। तो जब हमारे पास सिनेरियो ऐसे वाला आता है ना जिसमें सिर्फ ये दो बातें होंगी, उसमें 99% डायग्नोसिस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। और फिर वो आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछते हैं, डिफरेंशियल्स में आपने सबसे पहले ये लिखना होता है कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, जिसको हम मिस्ड मिसकैरेज भी कहते हैं। और फिर आप लिखेंगे कोई और चीजें जो हो सकती हैं कि ओवेरियन सिस्ट हो सकता है, एक्यूट PID हो सकती है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, जो भी उसके बाकी DDs बनते हैं, लेकिन ये चीज आपकी इस तरह से प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आसान तरीन सिनेरियो आता है रप्चर्ड का, एक्टोपिक का आता है तो एडनेक्सल मास बता देंगे, लो बीटा HCG बता देंगे, मुश्किल देंगे तो सिंपल दे देंगे, एक लव्स का यही वाली दो बातें लिख देंगे, तो आपने तब भी एक टॉपिक कर देना, अगर वो आपको साथ ये नहीं कह रहे कि एब्सेंट हार्ट साउंड्स हैं एंड
enlarged uterus है of 8 weeks. So अगर ये नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये है कि this is ectopic pregnancy और miscarriage नहीं है. अच्छा जी, miscarriage के आपको देखेंगे वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा मैं enlarged uterus क्यों कह रही हूँ. अब सिंपल सी बात है, पेशेंट हमारे पास आ गई, हमने उसको हमें अंदाजा हो गया कि ectopic pregnancy की है, तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेशन में अच्छा इसमें अब आपकी जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, कभी कभार इस तरह से होता है कि जब आपकी रप्चर हो जाती है प्रेगनेंसी, उससे डायफ्राम इरिटेट होता है क्योंकि सारा फ्लूड पेरिटोनियम में कलेक्ट हो जाता है. पेरिटोनियम में फ्लूड कलेक्ट होता है, डायफ्राम इरिटेट होता है. डायफ्राम की इरिटेशन की वजह से जो पेन है ना पेशेंट, वो शोल्डर की टिप पे फील हो रही होती है, क्योंकि आपको पता है कि नर्व जो फ्रेनिक नर्व है वो शोल्डर से आती है, तो जो डायफ्राम इरिटेशन की पेन है वो शोल्डर टिप पे फील होती है ड्यू टू फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व इज द नर्व सप्लाई ऑफ डायफ्राम. ये आपका एमसीक्यू आता होता है, ये आपने याद रखना ठीक है. अच्छा जी, अब इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करनी है, सबसे पहले तो उसकी एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल पेल्विक एग्जामिनेशन, फिर हमने ट्रांसजेंडर अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना है जिसमें आप एडनेक्सल मास को या फिर यूट्रस को देखना है. अगर यूट्रस खाली है और मास एडनेक्सा में है तो दिस इज वेरी मच अप्रोप्रिएट के ये कोई ना कोई एक टॉपिक है. अगर आपको नजर आ रहा है कि यूट्रस में बकायदा एनलार्जमेंट हुई है और फीटल पोल प्रेजेंट है, इसका मतलब एक टॉपिक नहीं है, मिस कैरेज हुआ है ठीक है. तो इस तरह से अगर आपका यूट्रस एम्प्टी होगा तो ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. सिर्फ एक चांस है कि जिसमें यूट्रस में भी आपको कुछ नजर आ जाएगा और एक्टोपिक भी मिल जाएगी, उसको हम कहते हैं हेटरोटॉपिक, जिसमें दो जगह पर इम्प्लांटेशन होती है, एक यूट्रस में होती है और एक कहीं और होती है. वो सिनेरियो हमें नॉर्मली नहीं देते होते, मुश्किल हो जाता है ठीक है. तो ये आपने ट्रांसजेंडर अल्ट्रासाउंड स्कैन पे देख लिया, फिर आपने सीरम एचसीजी मेजर करना है. सीरम एचसीजी का रोल ये है कि नॉर्मली जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती है उसमें सीरम एचसीजी हर 48 आवर्स में डबल हो रहा होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, हर 48 आवर्स में डबल 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 हो जाएगा. लेकिन जो एक्टोपिक्स होती है उनमें इसका ट्रेंड बहुत थोड़ा होता है, मतलब स्लोली इंक्रीज करता है. तो अगर आप सीरियल एचसीजी मॉनिटरिंग करेंगे और वो स्लो राइज करे, इसका मतलब है चीज एक्टोपिक है. फिर आप करते हैं ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग ताकि आपको पता चल जाए कि रिसेस का स्टेटस क्या है. अच्छा, उसके बाद कई बार ऐसी होती है कि प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन रह जाती है. ये आपका एक वर्किंग डायग्नोसिस है, PUL, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन. इसका मतलब ये है कि अभी हमें पता चल गया कि फीमेल का जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव है, लेकिन हमें यूट्रस अल्ट्रासाउंड पे ना कोई एडनेक्सल मास मिली और ना यूट्रस में कुछ मिला है. इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है लेकिन कहां पर है हमें नहीं पता, उसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन. और उसको ढूंढना लाजमी होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप स्वैब लेते हैं, एंडोमेट्रियल स्वैब लेते हैं, उसके अलावा फिर आप लेते हैं उसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड. उससे आप देखते हैं कि एब्डोमेन में किस जगह पर है कोई टिश्यू प्रेजेंट ताकि आपको पता चले. एंड सीरियल एचसीजी मॉनिटर करते हैं ताकि पता चले कि वाकई में है या नहीं है सही से ठीक है. तो ये भी एक बात होगी जो रास्ते में आ सकती है, मतलब एक दरमियान में आएगी जो डायग्नोसिस बनाने के. फिर आपने मैनेज किस तरह करना, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है वेट एंड वॉच. वेट एंड वॉच आप उनका करेंगे जो बिल्कुल ही आपके पास अर्ली स्टेज पे आ गई है, एसिम्टोमेटिक है और आपको पता है कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और हो सकता है कि उसको कोई मसला नहीं होगा, खुद ब खुद ही रिजॉल्व कर जाएगी. उसको आप वेट एंड वॉच करेंगे विद सीरियल एचसीजी मॉनिटरिंग. ये बहुत जरूरी है क्योंकि एचसीजी का फॉलिंग ट्रेंड होना चाहिए, उसे डिक्रीज करना चाहिए. अगर एचसीजी का राइजिंग ट्रेंड है तो हमने पेशेंट को एक्सपेक्टेंट पे नहीं छोड़ना, या फिर एचसीजी सही से फॉल नहीं करी तो भी नहीं छोड़ना. तो फॉलिंग ट्रेंड एचसीजी का हो, पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो, उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने का खतरा ना हो, कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट ना हो, तो हम उसको एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट पे डालते हैं. वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेक्टेंट, तो आपने ये बातें लिखनी होती है ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास अगली मैनेजमेंट है मेडिकल. मेडिकल में अब ये होता है कि हम उसकी जो प्रेगनेंसी उसको हमने खत्म करना होता है उसके नाम देते हैं मेथोट्रेक्सेट. उसका रोल क्या है जी, मेथोट्रेक्सेट है आपके पास फॉलिक एसिड को सिंथेसिस को इनहिबिट करती है. फॉलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिट होगी तो डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो सेल्स नहीं बनेंगे, सेल्स नहीं बनेंगे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी ठीक है. तो आई मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन देते हैं डोज के हिसाब से. अब वो कहते हैं, आपसे ये भी सवाल करते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये भी आपने ऐसे बिला वजह नहीं शुरू करनी होती, तो आपने चार बातें लिखनी है यहाँ पे. सबसे पहली बात के अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी होगी ठीक है, तो आप देंगे, रप्चर में कभी भी नहीं देना होता. अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी है, लेस देन 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर है, ट्यूबल प्रेगनेंसी अगर, तो हीमोपेरिटोनियम यानी ब्लड अभी पेरिटोनियल कैविटी में नहीं गया, वही बात है कि अनरप्चर्ड होगी ठीक है. उसके बाद जो बीटा एचसीजी है वो भी अभी आपका 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर से कम है, एंड आपने अल्ट्रासाउंड किया तो आपको यूट्रस में और एडनेक्सा में कोई नजर नहीं आई प्रेगनेंसी, तब आप उसका मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं. अगर वो रप्चर हो चुकी है, उसका बहुत ज्यादा बीटा एचसीजी बन चुका है, बीटा एचसीजी ज्यादा बनने से मुराद ही होती है कि उसकी बहुत लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है एक्टोपिक, इसका मतलब ये होता है कि उसमें रप्चर का चांस ज्यादा है, फिर आप ये वाला रिस्क नहीं लेते मेडिकल मैनेजमेंट वाला ठीक है. अगर साइज भी बड़ा होगा तो उसमें भी रप्चर का खतरा होता है, इसलिए आप रिस्क नहीं लेते, छोटे साइज पे करना है. तो ये उसकी वो है इंडिकेशन है, देते आप आयन मेथोट्रेक्सेट है, बुक आपकी यही कहती है. लेकिन आपने अगर कुछ और ड्रग्स याद रखनी है तो आप याद रखेंगे कि एक्टिनोमाइसिन ठीक है,
ये भी आप दे सकते हैं इसमें, लेकिन आपने मेथोट्रेक्सेटी सबसे ऊपर लिखनी है। फिर जो हमने पढ़ी थी, एक है आपकी वो प्रोस्टाग्लैंडिंस की जैसी मिसोप्रोस्टोल, और एक है आपकी जो है अपनी प्रोजेस्टेरॉन के एंटागोनिस्ट मिफेप्रिस्टोन। ये भी वही चीजें जो कि इंड्यूस करती हैं किसी भी प्रेगनेंसी को निकलने में। एंड देन आप देते थे 20% पोटेशियम क्लोराइड, वो भी एड करता है। अच्छा, ये हो जाती है आपकी मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ये है कि आपने लैप्रोस्कोपी करनी है, लैप्रोस्कोपी आपने ऐसे बिला वजह नहीं करनी होती हर किसी की, उसके लिए भी आपके पास अगर पेशेंट सूटेबल है फॉर लैप्रोस्कोपी तो ही आप करते हैं। सूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि सपोज आपकी पेशेंट है जो कि आपकी मेडिकल मैनेजमेंट के क्राइटेरिया में नहीं आ रही, तो फिर आप लैप्रोस्कोपिकली यानी कैमरा डाल के उसको देखते हैं कि कहां पर है, उस जगह से आप वो प्रेगनेंसी रिमूव करते हैं। लेप्रोटमी, क्योंकि आपको पता है पूरा एब्डोमेन खोलना पड़ता है, तो ये आप सिर्फ सवेयर पेशेंट्स में जो बहुत अनस्टेबल, आपको पता है कि उनकी ऐसे से ठीक नहीं होगा या रप्चर हो चुके, उसमें लेप्रोटमी करते हैं। वरना लैप्रोस्कोपी छोटा सा प्रोसीजर, छोटा तो नहीं लेकिन जरा कम ट्रॉमा वाला होता है, तो आप वही कर लेते हैं। करना आपने क्या है, अगर वो ट्यूब पे है तो आपने उसके बाद फिलोपियन ट्यूब्स को रिमूव कर देना है, उस साइड की फिलोपियन ट्यूब, उसको सेल्फ इंजेक्टमी कहते हैं। अगर दूसरी ट्यूब ठीक है तो, अगर दूसरी ट्यूब भी ठीक नहीं है और पेशेंट चाहती है कि वो भी आगे भी कंसीव करे, तो फिर आप क्या करते हैं कि वो ट्यूब पूरी रिमूव नहीं करते, बल्कि उसमें से सिर्फ पोर्शन जिस जगह पर प्रेगनेंसी है वो रिमूव कर देते, तो उसको सेल्फ इंजेक्टमी कहते हैं। सेल्फ इंजेक्टमी का मतलब होता है पूरी ट्यूब रिमूव करना, सेल्फ इंजेक्टमी का मतलब होता है सिर्फ वो वाला पोर्शन रिमूव करना जो खराब है। ठीक है, तो ये आप प्रोसीजर्स करते हैं, और फिर पेशेंट को इसके साथ आपने एडवाइस करनी है कि अल्कोहल नहीं लेना, 3 महीने तक उसने कंसीव करने की कोशिश नहीं करनी अगर उसने मेथोट्रेक्सेट ली है, क्योंकि वो टेराटोजेनिक है, इंटरकोर्स से अवॉइड करना, ये काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो किसी कोई मसला हुआ अभी तक, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।